अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं माय स्मार्ट एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डीसी इन्वर्टर की मोटर के बारे में। इसका आज हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, इसको हम चला के भी देखेंगे आज, और इसको हम खोल के भी देखेंगे कि इसके अंदर मैग्नेट है या मैग्नेटाइज मोटर है या नॉन मैग्नेटाइज मोटर है। ये जो है एक नॉन इन्वर्टर की मोटर है जो कि आउटर की मोटर है, ठीक है। ये है डीसी मोटर, ठीक है। ये 5 वायर वाली मोटर है, ये 5 वायर हैं इसके अंदर। इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, तमाम कॉन्फ़िगरेशन इसकी विद एडाप्टर के साथ। ये एक एडाप्टर जिसके मदद से हम इसको रन करेंगे। पहले इसको हम जो है खोल के देख लेते हैं। इस मोटर में नॉन मैग्नेटाइज है, मैग्नेटाइज मोटर है, ठीक है। खोलते हैं इस मोटर को जल्दी से। इसका इस ये जो मोटर खोली जाएगी, ये आप यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। ये हिस्सा जो है बाहर आ जाएगा इसका, आप यहाँ से इसको हल्की सी चोट मारेंगे, ये हिस्सा बाहर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको हम डीसी मोटर को खोल के देखते हैं। इसको हम देखेंगे खोल के कि मैग्नेटाइज मोटर है कि नॉन मैग्नेटाइज मोटर है। तो अब यहां पर आप देखें, ये खुल चुका है और ये जो है, ये देखें इसके अंदर जो है कुछ भी नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ वाइंडिंग है, इसके अंदर पूरी सील पैक है, वाटर प्रूफ वाइंडिंग हुई हुई है इसके अंदर, कंप्लीट सील पैक वायरिंग है। और ये डीसी मोटर है, 320 वोल्ट इसको दिए जाते हैं जब ये कहीं जाके रन करती है मोटर। ये देखें, ये इसके अंदर जो है बैरिंग है और ये है बैरिंग। बैरिंग इसके अगर कट वट जाए तो, अगर इसके बैरिंग जैसे कट जाते हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं खोल के। तो ये सिंपल है मोटर, देखिए मैग्नेटाइज मोटर है, ठीक है। अच्छा, यहां तक मैग्नेट है, ये हिस्सा मैग्नेट का ही पूरा, ये मैग्नेट नहीं है अंदर, ठीक। इसी तरीके से हम इसको जो है पैक कर देंगे, ये देखिए आप, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको यहां पर इस तरीके से बंद कर देना, बैरिंग इसके अंदर फिट हो जाएगा खुद ही ऑटोमेटिक और ये अपने मदार में बैठ जाएगी। हल्के हल्के से आपने इसको बंद कर देना, ठीक है। पैक कर दिए मोटर। इसी तरीके से ये भी मोटर ऐसे ही है, अगर इसको भी आप खोलें तो इसको, ये भी 5 वायर की और ये है 2 वायर की। अब इसको खोल के देखते हैं, देखें इसके हमने नट, यहां से 3 नट होते हैं, ये खोले में हमने नट, ये देखें, ये असल में वायर अटक रहे थे, वायर इसके, वायर वाइंडिंग के साथ ही, ये रूटर है इसका, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये जो है ये मैग्नेटाइज नहीं है, देखिए ये मैग्नेटाइज नहीं है, इसलिए ये सिर्फ जो है ये इसके कट वगैरह काम करते हैं, जो इसके कट बने हुए, ठीक है। ये कुछ इसमें मैग्नेटिक फील्ड पूरी पैदा होती है, जब वाइंडिंग के अंदर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और जिसकी बिना पर ये काम करना शुरू कर देता है। अब ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर ये वाइंडिंग है और यहाँ से वायर जा रहे हैं और ये बैरिंग के खांचे अंदर दिए हैं, सिंपल वायरिंग इसकी वाइंडिंग है, ठीक है। इसको इसको भी रेगुलेटर को बिठाने का क्या तरीका है, इस तरीके से आपने इसको तरीके से इसको बंद कर देना है, ये कट पे कट बिठा देना, ये बंद, ठीक है। और ये देखिए, ये तो एक ये कैपेसिटर के साथ चलेगी, 2 पॉइंट का कैपेसिटर या 1.5 का कैपेसिटर हो या 2.5 का, कोई सा भी आप कैपेसिटर लगा सकते हैं इसके अंदर चलाने के लिए। अब इस मोटर को रन करते हैं हम, ये देखें, ये जो है एक एडाप्टर
बनाया हमने इस मोटर को स्पेशली रन करने के लिए, क्योंकि ये मोटर अगर आप इस मोटर के अंदर जो है अगर आप इसके इस मोटर के अंदर वोल्टेज 12 वोल्ट देते हैं या 24 वोल्ट देते हैं या 48 वोल्ट देते हैं, ये मोटर काम नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर 5 वायर मौजूद हैं और 5 वायर आपको पूरा फीडबैक का वायर होता है, इसमें 15 वोल्ट का वायर होता है, एक ज़ीरो यानी कि निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, तो ये एक LED का होता है फीडबैक का। तो ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बनाना भी सिखाया है 4 एम्पियर का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप करंट इसका 4 एम्पियर ही लें, 2 एम्पियर पे भी ये रन आराम से 2 एम्पियर पे भी ये रन ईजिली करेंगे। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, लेकिन इसके अंदर हमने वायर तमाम ब्लैक ब्लैक में दे दिया, वाइट वाइट में दिया, रेड रेड में दिया, ब्लैक ब्लैक में दे दिया, येलो येलो में दिया, ब्लू ब्लू में। अब ये मैं यहाँ से रेगुलेटर घुमाऊँगा, आप देखिए मोटर रन करनी शुरू हो जाएगी, ये देखिए। काफ़ी ताकत से चल रही है,